राम राम जी। सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट का भी इंट्रेंस एग्जाम है एमडीयू में, ठीक है, चाहे वो यूजी का हो या पीजी का हो। ठीक है, यूजी के लिए एमडीयू ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला, लेकिन उसके साथ साथ वही नोटिस आपको पीजी के लिए भी ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नोटिस दिख रहा होगा, तो इस नोटिस का मतलब क्या है? ठीक है, इस नोटिस में यही चीज की गई है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका यूनिवर्सिटी में करवाया जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आपकी क्वेरीज थी कि आपका एक तो एंट्रेंस एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, इन तीन चीजों की आपको डाउट क्लियर कर देंगे अभी के अभी। तो पहली चीज है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर का होगा। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 100 नंबर का होगा, दोनों मोड में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी वहाँ पे तो आपका इंग्लिश ही रहेगा, बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड आपके रहने वाले। ठीक है, उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका ऑप्शन टाइप होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, आपको सिर्फ ओएमआर सीट के ऊपर घोड़े भरने। ठीक है, करेक्ट आंसर के एबीसीडी के। ओके, उसके बाद है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो उसमें आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, एक नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला आपका, और ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, उसमें से जितने आपके नंबर आते हैं उतने पे आपकी मेरिट है वो बढ़ती है। ठीक है, आपकी जो मेरिट है वो आपकी अगर 50% से ऊपर, यानी कि 50 नंबर से ज्यादा या 50 नंबर के अराउंड आपके नंबर आ जाते तो आपका एडमिशन है वो आसानी से हो जाता है। हाईएस्ट मार्क्स है वो आपके 70 तक चले जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 70 नंबर ही आते हैं, ज्यादा मतलब 100 के 100 किसी के ना आते एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों में कमी रह जाती, कुछ टॉपिक्स है, कुछ क्वेश्चन है वो टिपिकल डाल देते हैं वाले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम वो कहाँ पे होते हैं। आपकी बार क्या है कि आपकी प्रेफरेंस तो दो दे रखी है, एमडीयू आपका यूटीडी रोहतक और एमडीयू सीपास गुरुग्राम। ठीक है, जिन्होंने गुड़गांव का कैंपस भरा है उनका तो गुड़गांव में होगा सीपास जो आपका सेंटर है वहां पे। ठीक है, पेपर का, और उसके बाद जो आपने पेपर की प्रेफरेंस एमडीयू में डाली तो एमडीयू में होंगे। ठीक है, एमडीयू की जो यूनिवर्सिटी वहां पे। ठीक है, उसमें आपके डिपार्टमेंट वाइज होते हैं पेपर, जिस डिपार्टमेंट में जैसे आपका हिंदी का है इंग्लिश का वो आपके डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन कुछ है जैसे कि आपका लॉ का है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है। इसमें क्या कि बहुत सारे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सीटिंग नहीं होती, तो उसमें क्या कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी हो जाती है। जैसे पिछली बार क्या था, पॉलिटिकल के 3,000 के अराउंड बच्चों ने अप्लाई कर रखा था 60 सीट्स पे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि वो आपके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, लॉ डिपार्टमेंट में भी, एमसार में भी, यूआईटी में भी, और पॉलिटिकल का जो डिपार्टमेंट उसमें भी 4-5 डिपार्टमेंट्स में आपके बच्चे हैं वो शिफ्ट कर रखे थे, वहां पे उनके पेपर वो कंडक्ट करवाए गए थे। लेकिन जो उसकी मेरिट लिस्ट भी वो कितने पे लगी थी, सिर्फ 50 पे। ठीक है, तो आपके जो नंबर है वो आपके अराउंड अराउंड 50 के आ जाते हैं, तो एडमिशन आराम से हो जाता है। ठीक है, इससे आपको अगर थोड़ा सा फायदा मिला इस वीडियो से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट ने एमडीयू के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है इसके ऊपर आप जाके मैसेज कर सकते हो कोर्स की, आपको इस कोर्स का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, ₹50 उसका चार्ज रहेगा, एक कोर्स का आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जितने भी हमारे पास अवेलेबल हो गए आपको पहले बता देंगे हमारे पास ये कोर्सेज के अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई अवेलेबल है तो आप बता देना, उसके चार्ज काट के आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इसके ऊपर मैसेज करो, अपने एंट्रेंस की तैयारी करो। इसका फायदा क्या होने वाला है, इससे है कि आप एक एंट्रेंस की अपनी तैयारी तो कर ही रहे हो। ठीक है, इसमें आपको क्या फायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखोगे आप तो उसमें क्या पता लग जाएगा, आपके नंबर कितने आते हैं, आपकी तैयारी किस टाइप की, आप किस टॉपिक में आप वीक हो, किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो चीजें आपकी अभी ध्यान देने के लायक हो जाएगी। आप कवर कर लोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।